तो दोस्तों ये हैं मेरे गांव के श्री असार सिंह जी और इन्होंने अपनी हल पूरी कर ली एकदम हल पूरी सगले हल लगाए। हाँ और अच्छा चलो तो ठीक है दोस्तों, ऐसे खूबसूरत नज़ारा और पहाड़ों से जुड़ी हुई यादों को। हाँ अच्छा, तो पहाड़ों की से खूबसूरत यादें और ऐसे दृश्य को देखने के लिए जुड़े रहे आप मेरे साथ, तब तक के लिए जय जय भारत। हेलो दोस्तों, आज आया था मैं हल चलाने, तो आप देख रहे होंगे कि हम हल चला रहे हैं यहाँ पर और अभी तक मैं ही चला रहा था। तो दोस्तों वैसे आजकल हल चलाने के लिए ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों की खेती ऊपर नीचे बहुत दूर दूर तक जाना होता है, इसलिए ट्रैक्टर इन ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में फीट में बहुत दूर तक ले जाना संभव नहीं है, तो इसलिए पहाड़ों में हमें बैल से ही हल चलानी पड़ती है। आप देख रहे होंगे समझो ये हमारे खेत हैं, ये सड़क से बहुत दूर होते हैं और खेत भी सीढ़ीदार होते हैं। ये खेत तो लगभग सीधा दिख रहा है, लेकिन अन्य खेतों में जैसे कि मैंने दूसरे वीडियो में दिखाया था आपको, ऐसी जगहों पर ट्रैक्टर ले जाना भी संभव नहीं है। तो आप जुड़े रहे मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों आज की हल लगभग पूरी हो चुकी है और थोड़ा सा किनारे छूट जाते हैं, तो थोड़ा उनको निकाल रहा हूँ। तो यदि आपको पहाड़ से जुड़े ऐसे सुंदर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको ऐसे कुछ वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा। मेरे चैनल में आपको ज़्यादातर ट्रैकिंग से संबंधित वीडियो मिलते हैं और ये पहाड़ी घरेलू जो हमारे कार्यक्रम होते हैं अगर इनसे जुड़े भी आपको वीडियो चाहे तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको मैं ऐसे वीडियो अपलोड करके देता रहूं। पहले हमने इस खेत में आलू लगाए थे, आलू भी निकल रहे हैं कुछ, देखो ये आलू हैं कुछ। और कल का लास्ट इस चीज़ चल रहा भी बस, ये पूरा का पूरा खेत था ये हम हल चुके लगा चुके हैं, तो चलो चलते हैं अभी। दोस्तों ना आप बोल रहे होंगे ना मैंने टोपी पहन रखी ना, सुबह निकल जाते हैं और पहाड़ों में सुबह बिना टोपी और बिना
जूते चप्पल और जैकेट के नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है आजकल। तो हल तो लगा चुका हूँ, आप खेत तो देख रहे होंगे मेरे पीछे, इतना बड़ा एक खेत है ना, बड़ा ही है पहाड़ों के लिए तो, है ना। तो हल तो हमारी पूरी हो चुकी है। तो चलो मिलते हैं आपको किसी और ब्लॉग में। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखना चाहते हो तो आपको लाइक कमेंट और शेयर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इसके बाद मैं पहाड़ से जुड़ा आपको कौन सा वीडियो दिखाऊं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ऐसे खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए जुड़े रहे आप मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर एक और दृश्य देखना चाहते हैं आप ऐसा ही, तो जुड़े रहे मेरे साथ। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी वाइल्ड लाइफ आधारित वीडियो। तो अगर आप इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय भारत, जय उत्तराखंड।